जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे नवग्रह शांति गायत्री मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग जानने वाले हैं नवग्रहों की शांति के लिए विभिन्न ग्रहों के गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की महिमा और गायत्री मंत्र की शक्ति के बारे में कौन नहीं जानता, इससे कौन अनभिज्ञ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है तो उन ग्रहों के अनुसार जो भी उनके गायत्री मंत्र हैं, इन मंत्रों का अशुभ ग्रहों की आवश्यकता के अनुसार जाप कर लेने से स्वयं कर सकते हैं, या फिर योग्य आचार्य से, ब्राह्मण से यदि आप इन ग्रहों का जाप करा लें, इन गायत्री मंत्रों का जाप करा लें अपनी ग्रहों के अनुसार, तो ग्रहों की जो प्रतिकूलता है यानी जो उनकी नकारात्मकता, जो उनकी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है और उनकी अनुकूलता आपको प्राप्त होती है, उनका कल्याण, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब बारी केतु ग्रह की शांति के लिए केतु गायत्री मंत्र की। ओम पद्म पुत्राय च विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। ये एक बार आप पुनः सुन लें किस प्रकार से आपको उच्चारित करना है। ओम पद्म पुत्राय च विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात। तो ये थी आज आपको जानकारी मैंने दी नवग्रहों के गायत्री मंत्र की। जिस भी ग्रह की अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में बनती हो, आप उस ग्रह से संबंधित गायत्री मंत्र का जाप करा लें। इन जब आप गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं तो गायत्री मंत्र के मामले में कहा जाता है कि इनकी संख्या कम से कम न्यूनतम जो है 1.25 लाख होनी चाहिए। ऐसे तो हम लोग अक्सर बताते रहते हैं, हर ग्रह की अपनी एक निर्धारित संख्या है। अगर आपको मंगल की शांति करानी है तो आपको 44,000 कराना पड़ता है कलयुग में, जब आप चतुर्गुणम प्रोक्तम के अनुसार करते हैं। शनि के लिए करना होता है तो 1,02,000 मंत्रों का जाप करना होता है। राहु के लिए 80,000, केतु के लिए 85,000। लेकिन जब गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं तो कम से कम 1.25 लाख जाप होना चाहिए। तो जिस भी ग्रह की पीड़ा आपको परेशान कर रही हो, स्वयं जाप करें या योग्य आचार्य से जाप करा लें। 1.25 लाख जाप कराने से आपको तत्काल लाभ मिलने लगेगा। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।